और वहीं उत्तराखंड दौरे पर प्रियंका गांधी रामनगर रुड़की में जनसभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी के दौरे की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। देवभूमि में प्रियंका गांधी की रैली होगी तो प्रियंका गांधी देवभूमि में हुंकार भरती हुई कांग्रेस की ओर से नजर आएगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से इसको लेकर तैयारियां भी लगभग कर ली गई है। प्रियंका के दौरे को लेकर तैयारियां कांग्रेस की ओर से की जा रही है। आज रामनगर रुड़की में जनसभाओं को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी के दौरे की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी की दौरे की तैयारियों में जुटी हुई है। देवभूमि के दौरे पर प्रियंका गांधी रहेंगी, रामनगर रुड़की में जनसभा को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रवीण, किस तरह की तैयारियां आज प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर की जा रही है? रामनगर रुड़की में हुंकार भरती हुई प्रियंका गांधी आज नजर आएंगी। देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी के तमाम नेता उत्तराखंड में आ चुके हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक पहली बार प्रियंका गांधी के रूप में आज उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगी। उनका दो जनसभा है, एक रामनगर में और रुड़की में। जी, रामनगर जो क्षेत्र है वो पौरी लोकसभा सीट में आता है, जहां से गणेश गुदियार और अनिल बलूनी बीजेपी के जो हैं उनके बीच टक्कर है। वहीं पर अगर हम बात हरिद्वार की करें तो हरिद्वार में हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत और पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के जो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच टक्कर है। बसपा के भी कैंडिडेट वहां पे है। यहाँ पे अच्छी खासी तादाद जो मुस्लिमों और ओबीसी एससी एसटी की है हरिद्वार में, उसको लुभाने के लिए, उनसे बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंच रही है। तो कुल मिला के देखें तो कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक आज पहली बार उतरी है और देखना होगा कि कितना जनसैलाब देखने को मिलता है, किस तरह से अपनी बात रखती हैं प्रियंका गांधी। क्योंकि प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों जो रामलीला मैदान में राम श्री राम का वर्णन किया था, उनकी जीवनी का, उसको उसकी चर्चा आम लोगों में है, तो यहाँ पर आकर किस तरह से जो है बात रखती है, अपनी बात रखती है, ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल प्रवीण, किस तरह से प्रियंका गांधी कांग्रेस के पक्ष में आज जनता के बीच में माहौल बनाती हैं, किस तरह से लोगों के बीच अपनी बात रखती हैं, लोगों तक कांग्रेस के जो वादे हैं, कांग्रेस की जो नीतियां हैं आगे आने वाले वक्त में होंगी, उनको कम्युनिकेट लोगों से कर पाती है, वो देखना होगा जनसभा के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका तमाम जानकारियों के लिए।